नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। पौड़ी के पोखरा ब्लॉक में स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लेने के लिए उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरा का निरीक्षण किया और अपने निरीक्षण में अस्पताल की व्यवस्थाओं को टटोला। इस दौरान अस्पताल में प्रशासन की उपस्थिति, पंजिका के साथ अहम फाइलों को भी टटोला गया, जिसमें उपजिलाधिकारी ने पाया कि अस्पताल में ओपीडी की संख्या काफ़ी कम है, जो कि मरीजों के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी बड़ा संदेह जता रही है और इससे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का आंकलन किया जा सकता है। वरिष्ठ समाजसेवी माननीय दिलीप कुमार की तरफ से सभी ग्रामवासियों, देश और प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। देशवासियों, प्रदेशवासियों और हमारे गांववासियों को इस ईद के पवित्र पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आप लोग ये ईद का जो त्यौहार है बड़े हर्षोल्लास के साथ में अपने घर पर मनाइए और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी है उसका पालन कीजिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहोगे तो त्यौहार भी मनाते हुए आप अच्छे लगेंगे। आप अपने परिवार में रहिए, खुशहाल रहिए। इस क्रम में हमने एक छोटा सा कार्य भी किया है। हमने अपनी ग्राम पंचायत गढ़ के अंदर एक काम योजना चलाई है कि जो विधवा औरतें हैं, जो कोरोना काल में जिनके हस्बैंड गए हैं इस दुनिया से और उनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम हेल्प के लिए 1000 रुपये पर महिला एक सहयोग, एक आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। ये सहयोग बस मात्र इतना है कि उनके जो बच्चे हैं वो ईद का त्यौहार अपने घर में रहकर और खुशी के साथ मना सके। मैं एक बार पुनः आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। आज पूरा देश कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अब कोटद्वार में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं हो गई, क्योंकि कोटद्वार के बेस चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। ये ऑक्सीजन प्लांट 300 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार करेगा, साथ ही 4000 लीटर ऑक्सीजन स्टोर रखेगा। प्लांट लगा रहे इंजीनियर ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आज इसका ट्रायल किया जा रहा है और देर शाम से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाएगी। आखिरकार जिस दिन का इंतजार था वो दिन युवाओं का आज पूरा हो ही गया है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के युवाओं को कोविड-19 की बीमारी से सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कर दिया। हालांकि लोगों ने इसका विरोध भी जताया। विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। 11 बजे का समय दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष 11:15 पर पहुंचे और लोग शायद जल्दी आकर अपना नंबर लगाने में लगे थे, इसलिए जल्दी आए लोगों में नाराज़गी देखने के लिए मिली है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में वहाँ खड़े रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पहले दिन करीब 300 युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती बेतहाशा रफ्तार को देखते हुए उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह गुंजवाल ने केंद्र और राज्य सरकार से कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की है। गोविंद सिंह गुंजवाल का कहना है कि उत्तराखंड में कोरोना बेलगाम हो चुका है, हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि कोरोना की लगाम को कम किया जाए और पूरे प्रदेश में तुरंत लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ताकि कोरोना की रफ्तार को कम कर सके। कोरोना महामारी को रोकने में भाजपा सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई है। अब केवल एकमात्र बचा है पूर्णकालिक लॉकडाउन का, और सरकार को तत्काल जो है इस महामारी से बचने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए, ताकि लोग बच सकें। स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के गांव में भी अब ये कोरोना महामारी बढ़ते जा रही है। कई लोगों की मृत्यु हो गई है और हर घर में बीमार पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय अब केवल लॉकडाउन बचा है, इसलिए सरकार को तत्काल लॉकडाउन लगाने की घोषणा करनी चाहिए। 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को लगने वाली वैक्सीन के शुभारंभ में देरी पर स्थानीय लोग भड़क गए। लोगों ने वैक्सीन के शुभारंभ में देरी से पहुंचने पर स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर विधायक वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। सुबह 9 बजे से लाइन में खड़े लोगों को 11 बजे के बाद वैक्सीन लगनी शुरू हुई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, जिसकी वजह से भीड़ भी काफी ज्यादा बढ़ गई। विधानसभा अध्यक्ष के लेट पहुंचने का भी कारण एक बताया जा रहा है। ये मौके पर लोगों ने चुनाव में परिणाम भुगतने तक की चेतावनी दी है।
ऐसे में वैक्सीन का शुभारंभ करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विरोध का सामना करते हुए वापस लौट गए। हालांकि उन्होंने अपने निर्धारित समय पर वैक्सीनेशन का शुभारंभ करने की बात कही। कम से कम 300 लोगों को बुला रखा है यहाँ पे वैक्सीनेशन, तो मुझे पता नहीं लोगों को कोविड जरूर और हो जाएगा इतनी भीड़ के अंदर। एंड अभी 11:30 बज चुके, राइट 9 बजे से चालू होना था ये, एंड अभी तक क्या हो रहा है जाके पूछ के आइए अंदर कि किसी को एक भी वैक्सीनेशन स्लॉट मिला है या नहीं मिला है अब तक। यहाँ पे अब जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, स्लॉट्स ही उतने देने चाहिए थे जितने लोगों को ये अवेलेबल था। विधायक जी को आप जिनके वजह से लेट हो रहा है। पिथौरागढ़ में 18 से 44 वर्ष के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन लगाने को लेकर 2 बूथ तैयार किए गए हैं, जहां पहले दिन 500-500 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जिससे लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे। यहां पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी पूर्व तैयारी न करने और टीकाकरण में देरी होने से जनता काफी नाराज दिखी। वहीं जिलाधिकारी सहित सरकारी अमले ने खुद मौके पर पहुंचकर जब स्थिति को देखा और संभाला, तब जाके वैक्सीनेशन का काम शुरू हो पाया। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस को भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।